मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। दिस टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फेयर ऑन अर्थ। दैट मीन्स कि पृथ्वी पर स्थल मंडल का निर्माण, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है इस बच्चों, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी की एज कितनी है। ये माना जाता है कि पृथ्वी की एज है 4.543 मिलियन प्लस माइनस 50 मिलियन। मतलब कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है कि पृथ्वी हमारी कब कंप्लीटली एग्जिस्टेंस में आई है, कब अस्तित्व में आई है, लेकिन एक एक अनुमानित है कि ये प्लस 50 मिलियन आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, खैर, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमें देखना है कि व्हाट इज लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। दिस इंक्लूड्स व्हाट? ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल। नेक्स्ट वन इज क्रस्ट। थर्ड वन इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। फोर्थ, इट इज बाउंडेड बाय द एटमोस्फियर अबव एंड एस्थेनोस्फियर, मीन दैट मीन्स एंड अदर पार्ट ऑफ अपर मेंटल बिलो। ओके, अब बच्चों इसको देखो, हमने अर्थ क्या माना कि आपका अर्थ ऐसे है। ठीक, ये आपका अर्थ है। हमने क्या किया, अर्थ के इस पार्ट को वहां से निकाल लिया। इतने पार्ट को हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, और उसी को हमने काट करके देखा कि आखिर क्या है। तो बच्चों, जिसके ऊपर हम रहते हैं वो क्या कहलाती है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको बल्कि भूपर्पटी भी बोलते हैं। बट द मेन थिंग इज इट इज वेरी ब्रिटल, भंगुर है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। मतलब दैट कैन बी ब्रोकन इंटू सेवरल पार्ट इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव, बाई मीन्स ऑफ विच यू कैन एक्सप्लोड एंड यू कैन ब्रेक इट। ओके, नाउ अगेन आई हैव रिटन इट कि इट वेरीज फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट एंड ओशन टू ओशन। मतलब कि अगर आप ये कहें कि भाई कि क्या ये बराबर हर जगह पर, नहीं, अगर बराबर होता तो हम इस रेंज को क्यों लिखते, ये क्यों वेरी करता है। तो ये है उसका रीजन क्या है कि मान लो कि हम कहते हैं कि इंडिया इस पोर्शन में है, अर्थ एग्जैक्ट गोले में तो है नहीं, कहीं अब ये पोर्शन है, कहीं कॉन्टिनेंट पे यहां पर है, थोड़ा दबा हुआ है, कोई कंट्री यहां पे दबी हुई, कोई पोर्शन इस पर निकला हुआ है, लेकिन इसका डिस्टेंस तो हम यहां से कवर करते हैं। डिस्टेंस तो सेंटर से लेते हैं, जब सेंटर से लेंगे तो हम देखेंगे कि ये ज्यादा बड़ा है इसके कंपेरिजन में, ये छोटा है इसके कंपेरिजन में है। इसके वजह से क्या होता है कि हर एक कॉन्टिनेंट में चीजें वैरी करती रहती है। दूसरी चीज ओशन टू ओशन, मतलब महासागरों में भी वैरी करता। महासागर में क्यों वैरी करेगा बच्चों, मान लो कि ये आपका है अर्थ। ठीक है, अर्थ पे अगर महासागर होगा तो निश्चित रूप से वो गहरा होगा, ये पोजीशन अर्थ की हो सकती है, माना कि ये ओशियन महासागर है। अब इसके सेंटर पॉइंट से अगर आप इस चीज को मिलाएंगे तो अर्थ का जो भूप्रपटी क्रस्ट है, क्रस्ट की तो लेंथ इतनी हो जाएगी, लेकिन ये अगर सी है यहां पर बच्चों, अगर ये सी है तो इसका बॉटम तला कहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, ऊपर तो पानी है। तो अब आप इसको जब इसके अर्थ के सेंटर आप पॉइंट से मिलाएंगे तो यू विल फाइंड दिस मच डिस्टेंस। यू कैन से कि अगर हम इसको जस्ट इमेजिन कि ए बी है और ये सी है, तो नो डाउट कि ए बी इज ग्रेटर देन सी, इसी वजह से वैरी करता रहता है। अब आइए हम इसके बारे में और देखें। दूसरी चीज यह है कि इसका हमारे अर्थ का रेडियस, अगर सेंटर पॉइंट से हम देखते हैं तो हमारे इस अर्थ का रेडियस अप्रोक्स जो है 6378 किलोमीटर माना जाता है, क्योंकि ये वैरी करता है, एक जगह पर नहीं है और अर्थ भी एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, अब बच्चों अब आता है तीसरी चीज। तीसरी चीज क्या आती है कि हम जिसके ऊपर है तो कष्ट, इसके बारे में मैंने देख लिया। अब दूसरी चीज आती है कि सॉलिड आउटर पार्ट। सॉलिड आउटर पार्ट क्या है, यही है विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हियर। सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, इसको ही क्या कहते हैं, ये कंप्लीट स्थल मंडल को डिनोट करता है, उसी को पूरा प्रदर्शित करता है। अब वो क्या है, वो जिस पे हम पृथ्वी पर रहते हैं, अगर इससे लेकर के हम 400 किलोमीटर दूर नीचे तक चले जाएं तो ये सॉलिड आउटर पार्ट होता है। मतलब ये चीज आउटर पार्ट सॉलिड है, माना कि ये पहला तो ब्रिटल है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा और इसकी ब्रिटलनेस कम होती जाती है और ये काफी सॉलिड होता जाता है। अब इसमें भी कई लेयर्स हैं। अब ये लेयर्स कैसे हैं,
पहला जो लेयर है ऊपर, पहले नीचे चलते हैं, इसको समझते हैं, ये दो चीज को समझने के बाद नीचे चलते हैं कि बच्चों नीचे जो है इनर कोर कहलाता है, ये सॉलिड है। सॉलिड क्यों है उसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ कि ऐसा क्यों बना है। सॉलिड है, फिर उसके बाद लिक्विड फॉर्म होता है, फिर इसके मेंटल के दो दो फॉर्म है, एक अपर है जो ऊपर वाला है, दूसरा है लोअर मेंटल। इसी अपर मेंटल में जो है एस्थेनोस्फियर कहलाता है, जो कि दुर्बल होता है, वेरी वीक होता है। तो मतलब क्या हुआ कि इसके इनर पोर्शन में हैवी पार्ट किस है। अब बच्चों आप ये पूछेंगे कि यहां पर ऐसा हुआ क्यों है, तो अब इसके लिए हम जाइंट इंपैक्ट की बात करते हैं। बच्चों आपने देखा हो कि मून कैसे फॉर्म हुआ था, मून के बारे में कहा भी जाता है, मैंने पहले पढ़ाया भी है कि अर्थ और मून पहले एक पार्ट में थे, लेकिन ये घूम भी रहे थे आपस में काफी, मतलब पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, सॉलिड बन चुकी थी। इसी बीच में क्या हुआ कि कोई एक बहुत ही हैवी सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स जाकर के अर्थ से टकरा गई और उसने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। तो जो छोटा पार्ट था वो मून बन गया, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में घूमना शुरू किया, और जो बड़ा पार्ट था वो अर्थ में आ गया, पृथ्वी बन गई। तो लेकिन उसका तीसरा भी असर क्या हुआ, दो पार्ट तो तोड़ दिया लेकिन उसने अर्थ को ऐसा झकझोर दिया कि अर्थ ऊपर से सॉलिड था कि इतना झकझोर दिया एक तरह से कि जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे चले गए। बीच में चूंकि टेम्परेचर बहुत अधिक था, यहां पर सॉलिड हो गया, ये इन्हें लिक्विड फॉर्म में रह गए और इसके बाद ही ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के फॉर्म बन गए। तो इस तरीके से बच्चों आपने देख लिया कि लिथोस्फीयर कैसे बना हुआ और ये क्या चीज है, और इसके लिए जाइंट इंपैक्ट थी, जाइंट इंपैक्ट और डेंसिटी। हाँ एक चीज और भी बताना बच्चों कि डेंसिटी क्या होता है इसको समझा दूं, क्योंकि मान लो कि ये सर्किल है, मान लो कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ऐसे मान लो कोई एक पॉट है, तो ये पार्ट जितने करीब करीब पार्टिकल्स होते हैं उसको माना था कि डेंस होते हैं। यही पार्टिकल्स ही जो होते हैं इसके किसी चीज को भारी या हल्का बनाते हैं, मास होता है। जैसे कि आप रजाई ले, रजाई क्या उतनी बड़ी है लेकिन आप उसको उड़कर सो जाते हैं, लेकिन उतना मोटा चादर लोहे का डाल दिया है तो आप दब जाएंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत करीब करीब है। तो इस यही कारण था कि डेंसिटी में, डेंसिटी मतलब घनत्व में जो वेरिएशन था इसी के वजह से ये नीचे चला गया। और यहां पर जो है ये लोहे का लोहा है, सबसे अधिक लोहा है क्योंकि हाईवेस्ट है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपने पृथ्वी पर स्थल मंडल के निर्माण के बारे में सब कुछ देख लिया। अगले चैप्टर में मैं कोई और भी नई चीज लेकर के आऊंगा। टिल देन बाय बाय।